हरे कृष्णा, मैं हूँ ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं लक गुरु कार्यक्रम। लक गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपसे बात करेंगे 12 राशियों के बारे में कि किस राशि की चमकेगी किस्मत, किसका होना है भाग्य होता है और किसके लिए कौन सा समय बढ़िया रहेगा। सारी बातें हम आपको बताएंगे। आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, उच्च पद प्राप्त होगा या विदेश यात्रा करने वाले हैं, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे। और आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, शुभ रंग क्या होगा, ये भी बताएंगे। और आपके लिए दिशा शूल क्या होगा, आज की तिथियां कैसी हैं, ये भी बताएंगे। राहु काल कब है, ये सब बताएंगे। और आज आपको क्या सावधानियां बरतनी है, क्या उपाय करना है, ये सारी बातें आज हम आपको बताने वाले हैं। इसके साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि आपको राजनीति के क्षेत्र में क्या लाभ होगा, दिशा शूल में कैसे कार्य नहीं करना चाहिए, पंचांग क्या कहता है आपके बारे में, ये सारी बातें बताएंगे। इसके साथ ही साथ हम आपके लिए क्या उपाय करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, आपके लिए शुभ अंक क्या होगा, सब बताएंगे। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 18 सितंबर 2021 और तिथि है द्वादशी तिथि, जो 6:56 तक रहेगा। फिर त्रयोदशी तिथि हो जाएगा, 6:01 प्रातःकाल तक रहेगा। धनिष्ठा नक्षत्र है, जो अगले दिन 3:21 तक रहेगा। वालोकरण है, 6:56 तक रहेगा। तत्पश्चात कौलोकरण हो जाएगा, जो 6:26 सायंकाल तक रहेगा। शुक्ल पक्ष है, सुकर्मा योग है, दिन है शनिवार। सूर्योदय होगा 6:07 प्रातःकाल पर, चंद्रोदय होगा 5:07 सायंकाल पर। चंद्रमा रहेगा मकर राशि पर, जो 3:26 तक रहेगा। सूर्यास्त होगा 6:23 सायंकाल पर और चंद्रास्त होगा अगले दिन 4:12 पर। शरद ऋतु है और कली संबत है 5123, शक संबत है 1943, विक्रम संबत है 2078 और अभिजीत मुहूर्त है 11:50 से लेकर के 12:39 तक रहेगा। और आज जो आपका राहु काल है 9:11 एम से लेकर के 10:43 प्रातः काल तक रहेगा। यमगंड 1:47 से लेकर 3:19 सायंकाल तक रहेगा। गुलिक काल है 6:07 से लेकर 7:39 तक रहेगा। पूर्व दिशा का दिशा शूल है, यात्रा करने से परहेज करें। शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथियों में किया गया कार्य लाभदायक होता है। दिशा शूल में यात्रा करने से परहेज करना चाहिए। और राहु काल में कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करना हो तो परहेज करें, नहीं तो उसमें कार्य आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। हरे कृष्ण।